गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मॉक पेपर सेकंड में। इससे पहले हमने मॉक पेपर फर्स्ट किया था जो कि बेस्ड था एमटीएस सीएचएसएल और एमटीएस पे। आज हम मॉक पेपर टू पे बात करने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में काफ़ी सेक्शंस आपके इंक्लूड होंगे और उसी के साथ साथ इंक्लूड होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बिल्कुल, इसका आपको काफ़ी इंतज़ार रहता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो अगर मैं आपके एसएससी एग्ज़ाम की बात करूँ तो वहाँ पे छोटी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। छोटी मोटी स्टोरी टाइप की अगर आई हुई है एग्ज़ाम में तो वहाँ पे ट्रिक्स की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको ये भी बताऊँगा बड़े रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करें। जल्द ही मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आऊँगा जहाँ पे हम बड़े से बड़े रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में ये देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में प्रीवियसली एमटीएस और सीएचएसएल में आ चुके हैं और आपको उन्हें कैसे टैकल आउट करना है। तो सभी रेडी, सभी रेडी हैं कुछ मज़ेदार से क्वेश्चंस करने के लिए? यस और नो? बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का सेशन एंड द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। न्यू ईयर, द न्यू ईयर इज अ टाइम फॉर रेजोल्यूशंस। Mentally, at least most of us could compile formidable lists of do's and don'ts. जब न्यू ईयर आता है तो हम अपने आप को नए नए resolutions देते हैं, ठीक है। Formidable मतलब होता है डरा देने वाला, दहला देने वाली, ऐसी लिस्ट आ जाती है हमारे सामने। जैसे कभी कभी एक एस्पिरेंट है मान लीजिए जो रेगुलर बेस पे 2 hours पढ़ रहा है या 2 hours से भी कम पढ़ रहा है, प्रैक्टिकल सी बात समझते हैं, और उसने एक रेजोल्यूशन लिया कल से न्यू ईयर का दिन है मुझे 8 hours डेली पढ़ना है। ये तो डरा देने वाला है ना रेजोल्यूशन, समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब एक चैन स्मोकर बंदा, उसने बोला कल से मैं स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ दूंगा। अब इसके चांसेस कितने हैं? 99% तो नहीं ना। हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो दीज आर द थिंग्स, अगर किसी को कुछ चीज अप्लाई करनी है या कुछ छोड़ना है, जैसे कुछ बुरा है जो छोड़ना है या कुछ नया है जो ज्यादा अप्लाई करना है, तो पहले तो 2 से 3 hours पे जाना पड़ेगा ना। सबसे पहली चीज क्या है? अपने आप के अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी तो इम्प्रूव करेंगे ना। जैसे अगर एक बंदा चैन स्मोकर है और वो 10 cigarettes डेली पीता है, स्मोकिंग करता है 10 cigarettes, तो सबसे पहले तो उसे ये सोचना पड़ेगा इसको मैं 50% कैसे करूं, 5 पे कैसे हूं, या वो ये सोचेगा मैं 10 का 10 खत्म कर दूंगा। तो 10 का 10 खत्म करने पे जाएगा तो वो फिर वही काम करेगा, 1 हफ्ते हो सकता है दूर रहे, 1 हफ्ते बाद फिर वहीं पे आ जाएगा। समझ आया? वही होता है हमारे साथ या नहीं होता है? आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। द सेम ओल्ड फेवरेट्स रिकर ईयर इन एंड ईयर आउट विद मोनोटोनस रेगुलरिटी। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस ढंग से, हर साल आ रहा है, हर साल जा रहा है, हर साल रेजोल्यूशन ले रहे हैं, हर साल तोड़ रहे हैं, 1 हफ्ते बाद पता ही नहीं चलता हमने कोई रेजोल्यूशन भी लिया था, कोई अपने आप में सोचा था कि ऐसा भी करना है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस हैड टॉट अस दैट सर्टेन अकम्प्लिशमेंट्स आर बियॉन्ड अटेनमेंट। पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि बहुत सारे हमने रेजोल्यूशन लिए थे, बहुत सारी हमारी जो सोच थी वो पूरी नहीं हो पाई, एकम्प्लिश नहीं कर पाए हम उस चीज को। इफ वी रिमेन इनविट्रेट स्मोकर्स, इफ वी रिमेन इनविट्रेट स्मोकर्स, देखो इनविट्रेट स्मोकर्स का मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त स्मोकर मतलब कि चैन स्मोकर बोल सकते हैं इसको आप। इट इज ओनली बिकॉज वी हैव सो ऑफन एक्सपीरियंस्ड द फ्रस्ट्रेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम फेलर। अगर एक बंदे ने रेजोल्यूशन लिया कि मुझे स्मोकिंग छोड़ना है और उसके बाद उसको जो फ्रस्ट्रेशन फील हुआ स्मोकिंग ना करके, उस वजह से क्या हुआ, वो फेल हो गया उसे छोड़ने में। मोस्ट ऑफ अस फेल इन आर एफर्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज आर स्कीम्स आर टू एम्बिशियस एंड वी नेवर हैव टाइम टू कैरी देम आउट। हम में से ज्यादातर लोग अपनी स्कीम्स को पूरा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम अरे स्कीम्स बहुत ही एम्बिशियस होती हैं। आप में से सभी ने एक बार अपनी स्टडी का शेड्यूल बनाया जरूर होगा और मुझे लगता है कि 99%
उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं भी कर पाए होंगे। देखो एक प्रैक्टिकल सी बात करता हूं मैं, ठीक है, शेड्यूल सबने बनाया होगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद या पहले ही दिन हो सकता है आपने सोचा था 5 to 7 तक मुझे पढ़ना है, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं हो पाया। आप 7 AM पे सो के उठे, फिर आपने देखा अरे 5 से 7 तक मैंने सोचा था मुझे पढ़ना है उठ के, उसके लिए मुझे 4:30 बजे या 4 बजे उठ जाना चाहिए था, मैं उठा ही हूँ 7 PM पे, तो 2 घंटा मेरा चला गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमारी जो एफर्ट्स हैं वही बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं अगर हम अपने आप को छोटे छोटे स्टेप्स दें, इतने एम्बिशियस एफर्ट्स ना दें तो हो सकता है हम उन्हें पूरा कर लें 2 की जगह 3 घंटा 2.5 घंटा। अगर हम ऐसे सोचें तो हो सकता है कि हम उनको पूरा भी कर लें आसानी से और स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ जाएं। हम एकदम 10 घंटे के बारे में सोचते हैं इसलिए 1 घंटा भी पूरा नहीं हो पाता ढंग से। समझ आ रही है भावनाएं? ये मैं नहीं कह रहा, ये पैसेज कह रहा है, वैसे मैं भी यही कहूंगा आपसे, ठीक है। वी ऑल्सो मेक द फंडामेंटल एरर ऑफ अनाउंसिंग आर रेजोल्यूशंस टू एवरीबॉडी सो दैट वी लुक एवन मोर फुलिश व्हेन वी स्लिप बैक इनटू आर ओल्ड बैड वेज। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम गाना बहुत गाते हैं। गाना गाने का मतलब समझ रहे हो ना? अगर आपको कोई टारगेट बनाया है आपने कि मुझे ऐसा करना है, तो पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है कि आपका ये टारगेट है, आपको ये करना है। किसी ने भी पूछा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, पीओ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस बार SSC CGL तो पक्का है, क्वालिफाई हो जाएगा, हाँ कंफर्म है, और क्या, पिछली बार मैंने कर दिया था, इस बार तो पक्का है कर दूँ। तो समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? अब बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हाँ इस बार तो झंडे गड़ जाएंगे, और फिर अगर नहीं हुआ तो उसी से मुंह छुपाते घूम रहे, क्योंकि वो बंदा फिर पूछेगा भैया रिजल्ट आ गया, देखा नहीं रिजल्ट आपने अपना, तब क्या करोगे, तब क्या बताओगे उसको, मैं तो एग्जाम ही नहीं देने गया था, तैयारी कर रहा हूँ अभी, एग्जाम थोड़ा ना दिया था मैंने। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम दूसरों को अपने एम के बारे में, अपने रेजोल्यूशंस के बारे में, अपने पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहली चीज, हमें खुद अनाउंस नहीं करना चीजों को। अगर आपका कोई टारगेट है, मान लीजिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, तो किसी से बोलिए मत आपको बनना है, आप लिख लीजिए, अपने पास बहुत ज्यादा है तो लिख लीजिए कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ये बात अपने आप को बोलिए, अपने आप के अलावा और किसी से मत बोलिए। समझ आ रहा है ना? जब बन जाएंगे दुनिया देख लेगी। अब आप ज्यादा मेहनत करेंगे उस चीज के ऊपर, क्योंकि जब आप बोध देते हैं तो उस चीज की पावर कम हो जाती है, और वैसे आपका मेंटल पावर उतना ही स्ट्रांग होगा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि मुझे ये करना ही है, मुझे किसी कीमत पे ये करना है। समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? ओके, चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑथर सीम्स टू इम्प्लाई दैट मैनी आर इनवेटरेट स्मोकर्स बिकॉज, मतलब बहुत सारे लोग चैन स्मोकर्स होते हैं क्योंकि, फटाफट देखो और पिक करो आंसर, यू हैव 30 seconds टू सॉल्व दिस आउट। ओके, पहला है दे हैव नॉट रियली ट्राइड टू गिव अप स्मोकिंग, दे नो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट दे कैन नेवर सक्सीड इन देयर अटेम्प्ट टू गिव अप, दे वॉन्ट टू फॉरगेट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट स्मोकिंग, they do not have the willpower to stop smoking. बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और जो भी aspirants D part सोच रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, D part is the correct answer। और D part क्या कह रहा है, उनके अंदर विल पावर नहीं होती, कोशिश तो वो फिर करते हैं, हर बार करते हैं। किसी के अंदर भी कोई भी बुरी आदत है तो वो बंदा, आपको ज्यादातर ऐसे बंदे मिलेंगे जो कोशिश करते ही रहते हैं, अगले दिन से वो चीज छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर सुबह वही चीज याद आ जाती है। समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? उनके अंदर विल पावर की कमी होती है उस चीज को छोड़ने के लिए, ठीक है, बिल्कुल डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ओल्ड फेवरेट्स रिकर विद मोनोटोनस रेगुलरिटी, ये जो लाइन लिखी है इससे क्या समझ आ रहा है आपको? फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर।
ओके, अच्छा एक चीज समझिएगा, हमें पता है कि हम फेल हो रहे हैं, फिर भी हम उसी तरह से उस चीज को फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। 2021 आया, फिर 2022 आया, फिर 23 आया, फिर 24, 25, 26, ऐसे निकलते जाएंगे ना। अगर एफर्ट सेम है तो रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। कुछ ऐसा ही ये लाइन बता रही है हमको। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, जो भी सी पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट, वेरी गुड। अब अगर वी वांट टू बी परफेक्ट दैट वी इंक्लूड सम आइटम्स रेगुलरली, कोई चांस नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। वी हैव बीन सो रेगुलरली डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव बिकम्स मोनोटोनस। हम इतना रेगुलरली किसी चीज को कर रहे हैं कि वो नीरस हो जाती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन, सम फेवरेट एक्शंस ऑफ रिपीटेड ऑफन कुड बिकम मोनोटोनस, कोई चांस नहीं है। मोनोटोनस का मतलब नीरसता से है, दिमाग में रखना। नीरस मतलब कोई काम होता है जो करने में मजा नहीं आ रहा होता, दैट कुड बी मोनोटोनस। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। अब ये फॉर्मिडेबल लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स का मतलब क्या है? मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मिडेबल लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी लिस्ट जो दहला देने वाली है। फॉर्मिडेबल मतलब दहला देने वाला। ठीक है, मतलब इतना लंबा चौड़ा बड़ा सा सोच लेते हैं कि जो होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, ऐसा कुछ। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। ओके, अब देखो ये लिस्ट इतनी लंबी होती है कि बहुत ही डरावनी है। समझ आ रहा है ना, ये लिस्ट इतनी लंबी होती है कि बहुत ही डरावनी हो जाती है, फ्राइटनिंग हो जाती है, दहला देने वाली हो जाती है। समझ आ रहा है ना, एक्चुअल आंसर जाएगा बी पार्ट। मतलब इतनी ये खतरनाक लिस्ट होती है कि हम खुद ही फील करते हैं कि हमने जो डिसाइड किया था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं सोचना चाहिए था एकदम। ठीक है, चल तो आपका जो आंसर जाने वाला है दैट इज बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। आपको रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, डेविलिश, डिवाइस, डेविएशन एंड डेवियस। देखिए कौन सा करेक्ट वर्ड हो सकता है इसमें से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट पिक करेंगे आंसर। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो ढूंढना है आपको। ओके, अब यहां से अगर हम देखें, डेविलिश मतलब डेविल से रिलेट कर सकते हैं, शरारती, सही है स्पेलिंग, डिवाइस युक्ति सही है। अगर मैं अगले वर्ड की बात करूं, डेविएशन, डेविएशन मतलब विचलन, किसी कोई किरण है उसका डेविएशन हो गया, विचलन हो गया। अब डेवियस, ये जो वर्ड लिखा है ना डेवियस, ये कुछ ऐसा होता है। डेवियस, डेवियस मीन्स होता है चालाक, चालाक मतलब कनिंग, क्लेवर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर, स्पेलिंग गलत है उसकी, डी ए की जगह पे डी ई होगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड एवेपोरेशन एस्टेब्लिश्ड एसेंशियल एवेल्युएशन। देखिए कौन सा रॉन्ग है वर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट पिक कर देंगे आंसर सभी। ओके, अब देखो एवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण होता है, स्टैब्लिश स्थापित करना, एसेंशियल महत्वपूर्ण, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का यही स्पेलिंग होता है, इवेल्युएशन, LUATION, EVALUATION। इवेल्युएशन मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन। इवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। ठीक है, किसी को
चीज का इवेल्युएशन करना, मतलब मूल्यांकन करना, जांचना, परखना, दैट कुड बी इवेल्युएशन। ठीक है, सो वेरी गुड एवरीवन, फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अभी हमारा ये प्रीमियर सेशन चल रहा है, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन पे फोकस करना है अच्छे से, ठीक है। चल नेक्स्ट वन, आपको फिलर्स फिल करने हैं। आई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न डैश मुंबई डैश मार्च 15। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर इस क्वेश्चन के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड एवरीवन। ओके, टाइमर का आवाज परेशान तो नहीं कर रहा ना, हटा दिया जाए। चलो हटा ही दिया जाए इसे। ओके, आई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न डैश मुंबई डैश मार्च 15। अब फ्रॉम का यूज करेंगे, आई एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मार्च 15। देखो फ्रॉम क्या दिखाता है, सेपरेशन दिखाता है सी के सेंस में। ऑन मतलब डेज, डेट्स, फेस्टिवल्स, ओकेशंस, इन सब के पहले हम ऑन का यूज करते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फ्रॉम सेपरेशन को दिखाता है, फ्रॉम द प्लेस। ऑन क्या दिखाता है, यूज बिफोर डेट्स, डेट्स के पहले ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। मतलब 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद अब मैं डैश स्विम कर सकता हूँ, बहुत ही तेजी से, अच्छी तेजी से स्विम कर सकता हूँ, कुछ ऐसा। कैपेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड एवरीवन, कैपेबिलिटी या क्षमता को क्या दिखाता है, कैन शो करता है। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस आई कैन नाउ स्विम क्वाइट फास्ट, कुछ ऐसा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कैन नॉट तो होगा ही नहीं, शुड और कुड का कोई मतलब नहीं है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपका करेक्ट आंसर थर्ड पार्ट जाने वाला है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंजी, स्टिंजी का आपको क्या चाहिए, सेनोनिम चाहिए, कभी कभी इसको स्टिंगी भी बोलते हैं, स्टिंगी, स्टिंगी एक्चुअल प्रोनंसिएशन क्या है, स्टिंगी, स्टिंगी का एक्चुअल एंटोनेम आपको चाहिए। ध्यान देना, एंटोनेम की बात हो रही है, सेनोनिम की नहीं। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले ये समझो, स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस, स्टिंगी मीन्स क्या होता है, कंजूस। अब कंजूस का अपोजिट क्या होगा, उदार। जनरस मीन्स क्या होता है, उदार। जनरस का मतलब क्या है, उदार। मीन मतलब बुरा इंसान, मीन फेलो बोलते हैं ना, बहुत ही बुरा इंसान, दैट कुड बी मीन। मीन मीन्स मीनिंग भी होता है, मतलब भी होता है, दोनों का स्पेलिंग सेम ही होता है, ठीक है। मीन मीन्स बुरा भी होता है और मीन मीन्स मतलब भी होता है। माइजरली मीन्स कंजूसी के साथ, काइंड मीन्स दयालु। तो एक्चुअल में क्या होगा इसका, स्टिंजी का एंटोनिम हमारा क्या होगा, जनरस। जनरस मतलब उदार, उदार मतलब जिसका दिल काफी बड़ा है। दिल बड़ा होने का मतलब दिल खोल के कुछ भी, जो भी करता है, पैसा देता है किसी को, किसी की हेल्प करता है, दिल खोल के करता है, दैट कुड बी जनरस, ठीक है। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सेकेंड पार्ट। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट वन, आपको ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट आइडेंटिफाई करना है। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ग्रामेटिकली रॉन्ग कौन सा पार्ट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड,
लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे सभी, कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स आंसर करेक्ट कर रहे हैं। ओके इधर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें इधर अविका और निकुंज, जब भी हम इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, ऑलवेज यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, वी नो इट वेल। तो यहां पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, निकुंज के अकॉर्डिंग आएगी। निकुंज क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो निकुंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। मतलब आर की जगह पे क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। सो इधर अविका और निकुंज इज गोइंग टू विन द प्राइज इन हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, समझ में आया। तो आर की जगह पे क्या आएगा, इज आएगा, तब स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। ठीक है, आर की जगह पे क्या आएगा, इज आएगा, तब स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। मतलब फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम छुपी हुई है, क्योंकि फोर्थ पार्ट में आर का यूज हुआ है। ठीक है, सो वेरी गुड एवरीवन, जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम, गेट आउट ऑफ हैंड। अभी वोकैब स्पेशल सेशन करा रहा था तो ये वोकैब आपको मैंने बताया भी था। गेट आउट ऑफ हैंड का मीनिंग क्या होगा, इस इडियम का मीनिंग क्या हो सकता है, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, फटाफट पिक करिए सभी आंसर। ओके, मतलब जो हाथ से निकल गया, दैट इज गेट आउट ऑफ हैंड। मतलब क्या, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, सभी का सिक्सर लगाना। ओके, अब एक्ट इररिस्पॉन्सिबिलिटी, टू लूज करेज या टू बी इनडिसिसिव। अब इररिस्पॉन्सिबिली मतलब जो लापरवाही से एक्ट कर रहा है, टू बी इनडिसिसिव मतलब जो निश्चय नहीं ले पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, टू लॉस करेज मतलब निराश होना अंदर से, दैट कुड बी लॉस करेज। तो एक्चुअल आंसर आपका जाएगा सेकेंड पार्ट, जो अनकंट्रोलेबल है वही आउट ऑफ हैंड। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको वो सेगमेंट चूज करना है जो ग्रामेटिकल एरर बता रहा है। नीदर आई नॉर माय सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। अभी कुछ बताया था मैंने कुछ देर पहले हम एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सी बात समझिए, चाहे वो इधर और हो, चाहे वो नीदर ना और हो, चाहे वो नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, वट वी नीड टू डू वेल दैट हमें ये एक बहुत अच्छे पॉइंट से समझ लेना है कि इस केस में हम सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे, चाहे वो इधर और हो, चाहे वो नीदर ना हो, चाहे वो नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब जो ये सेकेंड सब्जेक्ट है यहाँ पे माई सिस्टर्स है, माई सिस्टर्स के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, वर आएगा, वर का यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या जाएगा, नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक, कुछ ऐसा। तो वॉज की जगह वर का यूज करेंगे, मतलब थर्ड पार्ट हमारा पूरी तरह से करेक्ट जाएगा। ओके, वेरी गुड एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेकेबल, इस वर्ड का आपको चाहिए एंटोनिम। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अच्छा, एक एक प्रैक्टिकल सी बात समझे हम।
इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन। त्रुटिहीन, त्रुटि समझ रहे हैं, त्रा, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, त्रुटिहीन। सीधे से समझो फॉल्टलेस, एक बंदा जो फॉल्टलेस है, गलती नहीं करता। अब इम्परफेक्ट इज द एंटोनिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। अगर मैं अनसोलिड की बात करूं तो इसका मतलब होता है बेदाग। सेनोनिम पूछता तो नो डाउट फर्स्ट पार्ट हो जाता आंसर। मैथोडिकल, मैथोडिकल मतलब फुल ऑफ मैथड, इट कुड बी सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, ठीक है, जो पूरी तरह से व्यवस्थित है, दैट कुड बी मैथोडिकल, ठीक है। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज थर्ड पार्ट। अगर हमसे सेनोनिम पूछा जाता तो हम फॉल्टलेस रिलेट कर देते। इम्पेकेबल मीन्स क्या हो गया, त्रुटिहीन, त्रुटिहीन, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, त्रुटिहीन मतलब जो परफेक्ट है। अब देखो एक चीज समझना, त्रुटिहीन का मतलब क्या हो गया, जो परफेक्ट है, जिसमें कोई गलतियां ही नहीं है, वो परफेक्ट है ना। और इम्परफेक्ट मतलब गलतियां हैं जिसके अंदर, दैट इज इम्परफेक्ट। समझ आ गई बात, भावनाएं क्लियर हो गई, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, यस और नो? ओके, बिल्कुल। सो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड पार्ट। ओके, सारे वर्ड्स का मीनिंग मैंने लिख दिया है जो आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये आपका प्रीमियर सेशन चल रहा है, मे भी एक दो दिन में मैं आपको लाइव जोड़ूंगा आपसे यहीं पे, ठीक है। अभी मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में हूँ, ठीक है। सो जो भी डाउट्स हैं आस्क करते रहिए। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आए, स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पे मेरे पास डिस्कस कर लीजिएगा, इंग्लिश माय नितिन महंद्रा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे चीज़ों को आस्क करते रहिए, पूछते रहिए और अपने डाउट्स को भी क्लियर करते रहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई भी किसी तरह का डाउट आपके दिमाग में रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू ड्राइव समवन अप द वॉल। चलो देखो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, अब किसी को ड्राइव करना वॉल के ऊपर मतलब क्या, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना, समझ आया? किसी को दीवार पे चढ़ा के बिठा दिया, अब कह रहे नहीं उतरना नहीं है, ऊपर ही रहना है। थोड़ी बहुत देर बैठ सकता है इंसान, बाद में इरिटेट होने लगेगा ना। ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ये रिलेट करने का तरीका हो सकता है। तो ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या हो गया, टू इरिटेट समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करना, परेशान करना, समझ आया? टू हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, कोई चांस नहीं। टू कीप एट अ डिस्टेंस, कोई चांस नहीं। टू फ्राइटन समवन, डराना, कोई चांस नहीं। आंसर आपका क्या जाएगा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जो भी एस्पिरेंट थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट वन, वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपको चाहिए सेनोनिम, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेलोसिटी मीन्स होता क्या है वैसे, साइंस के एस्पिरेंट्स को तो अच्छे से पता होगा। हाँ, सो व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, इट्स गति, स्पीड, और हमसे पूछ रहे हैं सेनोनिम। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, स्पीड। थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। वेलोसिटी का सेनोनिम क्या जाएगा, स्पीड। अप रेस, हरी, फ्लाइट, कोई चांस नहीं है। फ्लाइट मीन्स वैसे फ्लाइट भी होता है नाउन की तरह, और फ्लाइट मीन्स उड़ाना भी होता है किसी चीज को, दैट इज ऑल्सो फ्लाइट। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। आपको वो वर्ड चाहिए जो रॉन्गली स्पेल्ट है, जो स्पेलिंग में रॉन्ग है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
रिलीव, रिलीव का स्पेलिंग सही लिखा है क्या? रिक्रिट सही है, रिसिप्ट सही है। वैसे इसे रिसिप्ट नहीं बोलते, रिसीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसीट। लिखा रिसिप्ट ही है, बोलते क्या है? रिसीट, रेम, रम, कुछ ऐसा। एल निकल रहा है। रेल मीन्स होता है क्षेत्र। रिसीट क्या होता है? जैसे कुछ भी आपने सामान लिया, उसका आपको रिसीट मिला, बोलते हम रिसिप्ट ही है ज्यादातर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? रिसीट। पी साइलेंट। रिलीव, आराम को रिलेट कर रहा है ना रिलीव। स्पेलिंग गलत है। आर ई एल आई ई वी ई, आर ई एल आई ई वी ई, दिस इज कॉल्ड रिलीव। ठीक है, तो स्पेलिंग ये रॉन्ग है, इसकी जगह पे ये वाला स्पेलिंग करेक्ट होगा। ठीक है, ये था मॉक पेपर टू। इस टाइप के क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम्स में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हमेशा याद रखिए। एक और कल मॉक पेपर करेंगे, मॉक पेपर थ्री। एक मैंने होली के जस्ट पहले आपको मॉक पेपर दिया था, प्रीमियर सेशन वीडियो। ये है मॉक पेपर टू, और एक और है मॉक पेपर थ्री कल का। ये तीनों मॉक पेपर अच्छे से एक बार देख लीजिएगा सभी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, श्योर रहिए इस चीज के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे होता है समाप्त। अगर सेशन में मजा आया और दिल कहे तो एक लाइक कर देना भाई, कमेंट करिए, अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में मॉक पेपर थ्री के साथ, SSC CHSL MTS स्पेशल मॉक पेपर के साथ, थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।